हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज जो है नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन हम लोग माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करते हैं। माता शैलपुत्री जो थी अपना राजा दक्ष की पुत्री थी, जिन्होंने घोर तप करके तपस्या करके भोलेनाथ जी के साथ शादी की थी। राजा दक्ष जी इनसे काफ़ी नाराज़ हो गए थे इस वजह से, क्योंकि वो भोलेनाथ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो भूत बभूत वगैरह लगाते थे और पहाड़ों में रहते थे, इस वजह से उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते थे वो। और राजा दक्ष ने काफ़ी बड़ा यज्ञ करवाया, लेकिन उसमें भोलेनाथ और माता सती को नहीं बुलाया, जिसकी वजह से माता सती जो थे बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए और नाराज़ हुए अपने पिताजी से। और इसके बाद वो काफ़ी गुस्से में उनके पास गए, उनसे बोला कि आपने मुझे और मेरे पति को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। तो इस पर राजा दक्ष ने कहा कि मैं तुम लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस यज्ञ का हिस्सा बनो। इससे जो माता सती थी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई, उन्होंने उसी यज्ञ में अपने आप को आत्मदाह कर लिया। इससे भोलेनाथ जी बहुत ही क्रोधित हो गए, वो उसी टाइम वहाँ पे यज्ञ में पहुँचे और माता सती के जले हुए शरीर को लेके चले गए वहाँ से, और उन्होंने जो राजा दक्ष थे उनका जो सर है दर से अलग कर दिया। गाइस, नवरात्रों में हमेशा ही सात्विक भोजन करना चाहिए, मतलब घर में लहसुन प्याज अंडा मांस मछली इन सभी को बाहर निकालना चाहिए, सभी का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में अगर कोई भी घड़ी बंद हो या फिर ख़राब हो उसको बाहर निकाल देना चाहिए। कपड़े कोई भी फटे हुए हो, जूते चप्पल हो, उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। तो गाइस, ये थी माता शैलपुत्री की एक छोटी सी कहानी जो कि मैंने आप लोगों को सुनाई। तो अभी हम पंडाल की तरफ चलेंगे। देखिए, मेरी वाइफ ने काफ़ी स्वीट सा जो है यहाँ पे चौकी लगाई है माता की। आज पूरा दिन वो मतलब चौकी लगाने में पूरा शाह श्रृंगार करने में लगी रही, क्योंकि मेरी वाइफ ने भी व्रत रखे हुए हैं नवरात्रों के 9 दिन के लिए। तो अभी हम जो है अभी हम करेंगे आरती करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, हर महादेव। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को नवरात्रि का जो पहला दिन था पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।